है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की दुनिया में हर एक कोई चाहता है कि हमारे पास पैसा हो और चाहते हैं कि महालक्ष्मी हम पर खुश रहे। तो हम आज आपके इस वीडियो में बताएंगे कि महालक्ष्मी को कैसे खुश करें। महालक्ष्मी को खुश करने के लिए हमें एक कार्य करना होगा। हम अनेक कार्य बताएंगे जिसमें से आप किसी एक कार्य को करके महालक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। जिसमें से पहला है, प्रतिदिन आप शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। दूसरा है, महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। तीसरा, सप्ताह में कोई भी एक व्रत करें। आप अगर सोमवार का व्रत करते हैं तो धन के कारक चंद्रमा प्रसन्न होंगे। मंगलवार को करते हैं तो बजरंगबली प्रसन्न होंगे। और अगर बुधवार को करते हैं तो श्री गणेश सुख समृद्धि का प्रतीक, बल बुद्धि का प्रतीक गणेश प्रसन्न होंगे। गुरु को करेंगे तो विष्णु प्रसन्न होंगे। शुक्र को करेंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। शनि को करेंगे तो शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव धन सुख और संपत्ति सौभाग्य का वरदान देंगे। अगला है दोस्तों, अनामिका उंगली में सोने चांदी या तांबे का बनी अंगूठी पहने। अगर आप अमीर व्यक्ति हैं तो सोने या चांदी की के पहन सकते हैं, या अगर आप बहुत गरीब हैं तो तांबे की अंगूठी पहन सकते हैं। यानी कि बीच वाले अंगुली में किसी भी धातु का बनी अंगूठी पहन सकते हैं, सोने का भी, चांदी का भी या तांबे का भी। अगला है दोस्तों, शाम को किसी भी नज़दीक मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। अगला है, श्री सूक्त का पाठ करें। अगला है, श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। अगला है, कनकधारा स्रोत का पाठ करें। अगला है, किसी भी बुराई से बचने का प्रयास करें। अगला है, पूर्णतः धार्मिक आचरण बनाए रखें। अगला है, घर में साफ सफाई बनाए रखें। इससे धन अस्थायी रूप से आपके घर में रहती है और अम्मा लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। और अगला है, रोज की इनकम का गणना करें और इस तरह से आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, इसमें से किसी भी एक कार्य को करेंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी अवश्य प्रवेश करेंगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।